ये बिहाइंड द सीन है, कंट्रोल करो प्रांजल कंट्रोल। आप एक दिन में सौरभ जैसी नहीं बन जाओगे। ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वादिष्ट चूल्हा प्लस लाइफ में। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने भीमताल उत्तराखंड से। सो गाइस, जैसा कि कभी कभी बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ भीमताल का जो वेदर है, मौसम है, शेयर करती हूँ, तो वही थोड़ा सा मौसम के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो अभी जो हमारी नवंबर मंथ चल रहा है और लगभग लास्ट नवंबर यहाँ पे चल रहा है, तो इस समय जो मौसम है सुबह शाम ठंड है। और आजकल फ़िलहाल आप देख सकते हैं बिल्कुल खिली खिली चमकती धूप अभी यहाँ पर आई हुई है। तो आप जैसे देख सकते हैं दिन का समय है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें स्वेटर वगैरह वियर करने की ज़रूरत नहीं रहती अगर हम बाहर हैं। हाँ, अगर अंदर हम रहते हैं तो वहाँ पे हमें जो है स्वेटर पहननी पड़ती है। तो ये था कुछ मौसम का हाल। अगर आप भीमताल अगर आप घूमने आ रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से जो भी हम मौसम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। तो गाइज, आज के ब्लॉग में आज हम आपको कुछ नया दिखाने वाले हैं। तो कुछ नया दिखाने वाले हैं मीन्स आज आपको प्रांजल जो है बताएंगे अपने एक हमने यहाँ पर जो है साइकिल का पंप मंगाया हुआ है, तो इसकी अनबॉक्सिंग जो है प्रांजल आपको करके दिखाएंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए प्रांजल बताइए अब आप। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम हल्द्वानी गए थे तो हमने उधर से ये साइकिल का पंप मंगाया था। तो इस पंप के जल्दी से फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इस वीडियो की। तो गाइस, इससे ये निकल रखा है, ये और ये हमें इससे जोड़ना पड़ेगा। ये देखिए गाइस, ये जोड़ने वाला रखा है, इससे हम जोड़ेंगे। गाइस, ये हमारा पंप निकला है। चलिए गाइस, तो इसको करने से पहले चीज़ें खानी है। लास्ट चीज़ ये है, तो इससे ये निकला है। मुझे जरूर जो देना है, ये देखिए गाइस लेगा। इससे ये निकले, इसको बाद में दिखाएंगे, पहले और चीज असेंबल कर लेते हैं। तो गाइस, इससे ये है, हमें इसको जोड़ना है। ये देखिए गाइस, ये देखिए, इसको ऐसे घुमाना है सर। ये देखिए गाइस, ये जुड़ गया। फिर ये है, इसको इस होल पर ऐसे कर दें और इसको ऐसे। ये देखिए गाइस, ये हमने इसको इस पर जोड़ दिया है। देखिए, तो गाइस देखो, टर्न करो और हम इसको ऐसे टर्न करिए, टर्न। देखिए गाइस, हो चुका है पंप हमारा असेंबल और ये साइकिल पंचर थी। तो गाइस, ये जो छोटा वाला है इससे हम सिर्फ साइकिल पर हवा भरेंगे, और जो ये बड़ा वाला है इससे हम जैसे फुटबॉल है इस अपनी स्कूटी बाइक पर हवा भर सकते हैं। तो ये तो लॉक रहेगा, इससे ही हमें सिर्फ साइकिल पर हवा भरनी है। ये देखिए लॉक कहाँ से रहेगा बेटा? अच्छा, उसको नीचे को करते हैं तो लॉक हो जाता है ना, नीचे को ना करके दिखाओ, नीचे को दिखाना लॉक। अच्छा, ये लॉक लग गया। तो गाइस, अब हम पंप का ट्रायल करते हैं और साइकिल पर हवा भरते हैं। लगाओ इसको अच्छे से, करो ऐसे फिक्स कर लो ना अंदर। ठीक है, डन।
यस चलिए करिए हम पापा करिए इसमें काम करिए तो गाइस मेरे साइकिल के टायर पर बिल्कुल भी हवा नहीं है तो ये दब रहा है हवा भरना स्टार्ट करते हैं ये देखिए गाइस अभी दबना थोड़ा सा कम हो रहा है तो गाइस अब फाइनली इस पर हवा भर चुकी है अब हम आगे वाले टायर पर हवा भरेंगे देखिए गाइस ये अब बिल्कुल नहीं दब रहे चलिए आगे वाले में तो देखिए गाइस अब हमने आगे का हो चुका है इसलिए हमने तो गाइस जो इस पर कैप लगी है इसको ओपन कर लेते हैं देखिए गाइस अब ये ओपन हो चुका है फिक्स ओके ठीक है छोटे वाले फिक्स कर लो इसको तो गाइस अभी फिक्स हो चुका है तो गाइस अभी ये डबल है टाइट नहीं हुआ है अभी ये तो इस पर हवा भरना स्टार्ट करते हैं गाइस अब इस पर धीरे धीरे हवा भर ली है गाइस अब हम इसके कैप को बंद कर देते हैं तो गाइस हमने साइकिल के दोनों टायर पर एयर फिल कर दिया तो अब हम इसका ट्रायल कर मतलब इसको चलाकर ये सही चल रही है यानी ट्राई करते हैं एक बार